हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइव स्टार चैनल और दोस्तों मेरा नाम आरिफ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों यदि आपको फ़ोन हैंग होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप यूपी स्कॉलरशिप की ही वीडियो बनाते हो, उससे अलग वीडियो नहीं बना रहे हो, तो प्लीज़ आप और अलग वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन को बचा सकते हैं हैंग होने से। आपको कुछ सेटिंग करनी है, मैं आपको बताने वाला हूं और आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कराए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को अपने को ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको तीन लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर लिखा होगा ऑटो अपडेट ऐप्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यदि आपका यहाँ पर क्लिक है या यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ से आपको यहाँ पर कर देना है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप। देखिए मैंने कर रखा है तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका यहाँ पर है तो ओवर वाईफाई ओनली, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डोंट ऑटो अपडेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि जब आप किसी ऐप को अपडेट करेंगे तभी अपडेट होगा, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो पहली सेटिंग तो आपको ये करनी है। दूसरी सेटिंग आपको क्या करनी है, अपनी सेटिंग में जाना है, आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपकी सेटिंग में कहीं एप्लीकेशन लिख रहा होगा, सभी फ़ोनों में होता है ये सेटिंग, मेरे फ़ोन में यहाँ पर है। मैं मोर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन या ऐप्स लिखा होगा आपकी सेटिंग में, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखें इंस्टॉल, जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं ऐप उन्हें देखने हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों अब आपको उन ऐप को देखना है जिन्हें आप यूज़ नहीं करना चाहते, कम यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे ये है एक ऐप है विडमेट ऐप है, जैसे मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो आपको देखो क्या करना है, एक ऐप को ओपन कर लेना है सेटिंग में जाने के बाद में, और उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फोर्स स्टॉप, और फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद में ये ऐप स्टॉप हो जाएगा और ये रनिंग नहीं होगा। यदि आप इसे फोर्स स्टॉप नहीं करेंगे तो ये रनिंग होता रहेगा और जो आपकी फ़ोन बैटरी है वो बहुत ही कम होती जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये जो आपको ज़रूर करना है। इसी तरीके से जो भी ऐप है, देखिए जैसे सैरिट है, सैरिट भी मेरा सैरिट रनिंग नहीं है, देखिए स्टॉप कर रखा है मैंने। इसी तरीके से जिन ऐप को आप यूज़ नहीं करना चाहते उसे आपको स्टॉप कर देना है। तो उसके बाद में आपका बैटरी का जो बैकअप है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद में भी यदि आपका बैटरी बैकअप नहीं बढ़ता है तो आपकी बैटरी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, यदि आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर रही है तो ज़्यादा मत कीजिए, ऑटो कर लीजिए। देखिए मेरी जो है ये फुल ब्राइटनेस कर रखी है मैंने, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए अपनी ब्राइटनेस को ऑटो करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरी ब्राइटनेस ये फुल है, अब मैंने डाउन कर दी है। उसके बाद में देखिए मैं ऑटो कर लेता हूँ, ऑटो करने के बाद में देखिए थोड़ी कम हो गई है, तो ये अपने हिसाब से बदलती रहेगी। यदि मैं कहीं उजाले में जाऊँगा तो ऑटोमेटिक ये इसकी लाइट काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ऑटोमेटिक करनी है आपको अपनी ब्राइटनेस को, तो उसके बाद में आपकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों ज़्यादा फालतू के ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए, वो भी आपकी बैटरी को डाउन करते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मुझे आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।